बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदरी डेयरी फार्म पे। यहां पे हम लोग आए थे साहिवाल गाय का शो करने, तो जब हमने ये देखा कि यहां पे तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सीन है और बड़ी अच्छी जो बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान लेवल के यहाँ पर जो बकरियों की नस्ल है वो मौजूद है, तो हमने कहा चलें दोस्तों को इसका भी शो करवाते हैं। तो मैंने पहली दफ़ा इतनी तादाद में और इतने खूबसूरत और इतने हैवी वेट और कद वाले खूबसूरत और क्वालिटी वाले जानवर जो है ना मक्खी चीने में बकरियों में ये पहली दफ़ा देखे हैं। तो यहाँ पे पीछे सेटअप है, काफ़ी तादाद में बकरियाँ जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। मैं थोड़ा जूम भी उसको करता हूँ ये पीछे। तो मैंने कहा कुछ जानवर जो है वो निकालते हैं, उनका ज़रा दोस्तों को शो करवाते हैं, बुज़ुर्गों से थोड़ी मालूमात लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपको एक ना ओवरव्यू जो है सारी बकरियों का वो दिखा देंगे। तो ये यहाँ पे ब्रीडर है, ब्रीडर भी आपको उसका भी शो करवाते हैं, कुछ बकरियों के जो पॉइंट्स है वो भी पूछते हैं, ये ग्रेजिंग पे हैं या इनको स्टॉल फीडिंग करवाई जा रही है, तो सारी जो मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जी हैदरी डेयरी फार्म, हैदरी गोट फार्म। जी जी। मलक तैमूर साहिवाल आम आउंदा रहता, वो मेरा बेटा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये मलक तमूर, मैनू मलक सफदर है ते सदे बाबा सफदर ही सारे। मलक साहब दस्या जे कि थानू साहिवाल गावां दा शौक है जां इन्हां बकरियां दा शौक है? ये साहिवाल गावां दा पहले बहुत पुराना शौक है ना जी। अच्छा। ये फिर बाद विच तकरीबन 20-25 मतलब उस वेले असीं जिस रखदे सौ सौ दो चार गावां घर वास्ते होंदियां सन। अच्छा अच्छा। फिर हुंदिया हुंदिया ते तकरीबन 25 साल ते हो गए जदों फिर कमर्शियल शुरू कर दिता ते वधा लईआं। अच्छा। ते बकरियां भी मतलब बकरियां नूं 20 साल हो गए। अच्छा, बकरियां नूं 20 साल। हाँ जी। ते अच्छा ये जिहड़ी नस्ल है तुहाडी अपनी घर दी? जी सारी घर दी ब्रीड है। जबरदस्त हो गया। हाँ जी। ते दस्या जे कि इस टाइम तुहाडे कोल कितनी बकरियां ने? तकरीबन 85 बच्चे छोटे वड्डे। अच्छा 85 ने, सारी मक्खी चीनी? सब मक्खी चीनी। जबरदस्त हो गया। ये मक्खी चीनी नूं की कहंदे ने? बीतल च है? बीतल ही है जी। अच्छा। ये ते फिर कलर है ना जी, ये साडे आ जिहड़ा बाबल नगर दा एरिया इस एरिए च ये हुंदी है, जिवें फैसलाबाद नागरी आ गई, डब्बी आ गई। जी जी। हाँ जी, ये फर्क कलरां दा है, बीतल ही है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। ते असी जरा शुरू करने हैं थोड़ा बकरियां जिहड़ियां ना उन्होंने बारे तुसी दसना है। ते ए दसा जे कि ए बकरियां जिहड़ियां ने इन्हां नूं दुध वास्ते भी यूज कीता जांदा है या कि खाली? जी बच्चे बच्चे ही ज्यादा पालदे आ दुध रसी ते नहीं चोदे, क्यों जी सब तो वड्डी गल है ते बच्चे देण दी साल ही दो वारी सुंदी। अच्छा। ते मतलब 50% बकरी तेरे बच्चे देंदी है। अच्छा। चार भी देंदी है, मेरी पहली बारी है कि बकरी सूजी ने बीतल बकरी ने 5 बच्चे दिते। अच्छा जबरदस्त। तो बच्चे तेल पाल जान ते बड़ी गल हुंदी। जबरदस्त हो गया। हां जी, दूध वास्ते नहीं करदे। अच्छा, दूध वास्ते नहीं। वैसे दूध ते एक दो किलो दे सकती है? 3 किलो तक बकरी आराम ना दे दे। जाए, दो टाइम दा क्योंकि काफी बड़ी बकरी लगी। अच्छा अंकल, ये दसया जाए कि तुसी इसनु स्टाल अपना इत्थे फीडिंग करवा रहे हो या कि ग्रेजिंग करवा रहे हो? नहीं नहीं, रहंदियां इत्थे ही ने। अच्छा। पहले गर्मियां च हुण अगे जंतर जिहड़ू सद्दे जंतर काश्त कीता सी ना जी जी, उहदे विच जा के छड्ड दित्तियां। अच्छा। जदों राज दियां फिर ढक लईआं। जी जी जी। अच्छा तुसी चराई नहीं करवांदे? नहीं चराई नहीं करवांदे। अच्छा चराई दी की वजह? चराई दे विच तां बकरी बड़ी सस्ती पै जांदी। सस्ती तो पैंदी, लेकिन बाहर जान गियां होर बकरियां नाल रल गियां फिर बीमारियां आण गियां। अच्छा। और बड़े नुकसान बड़े हुंदे ने। जबरदस्त हो गया। ते ते हुण साडे चराई दी रहि भी जगह भी कोई नहीं। अच्छा। सारी जमीन आबाद है, बन्ना भी नहीं खाली, उदा चराई दा तो कोई फायदा नहीं। अच्छा। हां जी। ते सर तुसी इन्हां नूं खुराक की दे रहे हो हुण इस वेले? तेरे नूं TMR। अच्छा TMR। हाँ जी। अच्छा जबरदस्त हो गया। तो TMR एक बकरी कितना खा रही है? तकरीबन 2 to 2.5 किलो, वड्डी तो वड्डी बकरी 24 घंटे का खा दी। अच्छा 24 घंटे का 2.5 किलो। हाँ जी। तो कितना खर्चा हो जाता है एक बकरी का? वो 200 ही। 200 महीने का 6000? जी। ते खर्चा तो बड़ा रहे, मुलाजम ते दवाइयां वो गल बड़ी दूर है। हाँ जी। ए ते बकरी जिहड़ी एक साल दा 80000 खर्चा कर जांदी? ते 80000 कर जांदी। ते मैं हुण तुहानूं दस्सां फिर ओह कईआं बंदे तक मरना नहीं, फिर मेरे कोल बकरी सी ए बकरी ओहदी मां। जी जी। ओहदा एक थण मर गया सी। अच्छा। ते ओह मैं वेचदा नहीं सी, ते इक बंदा मेरे कोल आ गया कहिंदा बकरी, मैं कहिंदा यार मैं इहदा साल रखणा, उहने कहिंदा जी बकरी सूई ते बच्चा भी तूं लै लई। अच्छा। बच्चा भी उहने मैनूं बकरी सूई वापस दित्ता, थण वी ओहदा एक सी, 12 लाख रुपया नगद दे के बकरी लै गया, साडा खर्चा पूरा हो जांदा। अच्छा, मतलब इन्हां दा रेट बड़ा है? हाँ रेट ते आम नॉर्मल बकरी साडी 6-5-6 दी बिकदी। जबरदस्त हो गया। मतलब कि अगर एक साल विच 72000-80000 खर्चा करवांदी ते फिर साल विच क्या? साल विच दो वारी सूदी आराम नाल 13 महीने च। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह जी। ते थोड़ा जिहा उहनां अपने जानवरां दा शो करवा दे, एक एक करके लई आउणा। अच्छा बाबा जी, इस बकरी दे बारे दस्सिया? सरदारी बकरी जी। अच्छा सरदारी बकरी। इहनूं तकरीबन 1 महीना रह गया जी हुण सूण नूं। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी इसकी बहुत अच्छी हाइट है। हाँ। और ये जी बकरी दस रहे हो 12 लाख की, एक थाना वाली बेची है, उसकी बेटी है? नहीं जी नहीं, ये अलग है।
ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਚਲ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ 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 ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਅਗੋ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਾਵਾਂ ਅਸਲ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਅਸਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਜੀ 6 ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੇਚ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਨ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 60 65 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੂੰਜ ਛੋਟੀ ਕੂੰਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਕੂੰਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਕੂੰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਲੱਖ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਬਾਦ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਈਟਲ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਚਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਅਨਿਸੇ ਤੂੰ ਫਾੜ ਗਿਆ ਅਗਰ ਪਰ ਕਾਂਡ ਵਿਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਬ੍ਰੀਡਰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬ੍ਰੀਡਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹ ਬ੍ਰੀਡਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਬ੍ਰੀਡ ਹੀ ਚੂਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੀਡ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰੀਡਰ ਦੀ ਜੀ ਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਚ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਬੀਟਲ ਜ ਵੈਸੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਲੰਬਾ ਕੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅੱਛਾ ਬੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਐ ਚਪਟੇ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੰਬ ਸਿੱਧੀ ਅੱਛਾ ਦੁੰਬ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਬਰੀਡ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਨ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਰੇਸ਼ਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਖਰ ਏਸ਼ੀਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਖਰ ਏਸ਼ੀਆ ਬਰੀਡਰ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 18 20 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਫਖਰ ਲੈ ਆਣਾ ਯਾਵਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਓ ਲੈ ਆਓ ਨਾ ਨਾਰੀ ਤੇ ਦੋਈ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਸੱਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਬਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਵੇ ਚ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਸਕਿਨ ਆਰਡਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾੜੂ ਛਾੜੂ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਣ ਪੂਰੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾੜੂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਥਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਥਣ ਦੀ ਤਾਰ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾੜੂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਪਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨ ਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜੂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆਣਾ ਇਹ ਜੀ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਐਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨ ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਜੇ ਖੀਰਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੀਰਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆ ਸਤਲੁਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਤਲੁਜ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੱਖੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਬਰੀਡਰ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ 8 ਸਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਦੂਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੀਮਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬੱਕਰੀ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਪਾਠ ਸੁਣੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ 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 ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਰਕ ਹੈ ਡਾਰਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ
होम ब्रीड की जिस तरह साहिवाल है, हाँ जी, ये रेड आई है चुलस्तानी गावों तो अगे आई है, हाँ जी, ठीक है ना जी। और ये जी मक्खी चीनी है ये उन्होंने कालिया दे विचू जां कालियां नाल चुनी कालियां च आई जी कालियां बकरियां नाल ना जी। इस एरिया च सियालकोटी एक बकरी हुंदी जिहड़ा गोल्डन कलर हुंदा जी जी, ये उहदी मिक्स होई है ते विचू आई हन ते उहनां विच सियालकोटी विच मक्खी चीनी हैगी सी कोई कोई। अच्छा, ये करदेआं करदेआं पहले जदों साडे कोल दी सी कालियां चिट्टियां चीनियां आउंदियां सी जी जी, फिर रेड आ गईयां, फिर हुण वाइट चिट्टी चीनी आ गई, बस दिन ब दिन इहदी क्वालिटी बेहतर हो रही है। ओ वाइट दे हुण बच्ची इस मक्खी चीनी बड़ी घट बकरी लभदी। हां जी, बड़िया मर गई। अच्छा, बहुत नाजक जानवर है, बर्दाश्त कर दी पाओगे छे महीने खान गिया बेचारी, लेकिन फिर काम खराब हो जाए मर जानी। अच्छा, बकरी की खुराक की रिकमेंड कर दे, बकरी की खुराक की होनी? असल बकरी की खुराक ते है जी जंतर जी जी ते लूसण, चंगी खुराक हो रही है, टीआ मार पा रहे तो मजबूरी ना पा रहे। अच्छा, पठोरा रखा इन्हे थोड़े। अच्छा, मैं तीन चार रखे हो जी। अच्छा अच्छा, ये पाठ मैं तुम्हें बखाने लिया है ना गंगा। अच्छा, ये बकरी जरा लिया ना इधर, फिर लाया बकरी, फिर लिया बकरी, बकरी लिया। अच्छा अंकल जी, एक बकरी तुसी ओ कड़वाओ जिहड़ी तुसी समझदे हो कि थोड़ी बकरियां दे विचों भी ओ एलीट है, मतलब बहुत अच्छी है, हर साइड तो पूरी है। हां जी, ये ते दो ये है दोवें। अच्छा दोवें। अच्छा हुण यह बना के दसो कि मक्खी चीनी या बीतल दे विच केड़ी केड़ी चीजां जिहड़ियां ने कोई बंदा अगर परचेज करदा है, हां जी, या अपने जानवर सिलेक्शन करदा है तो की चीजां उहनूं वेखणियां चाहीदियां? देखो जी, शौक दे हिसाब नाल ते फिर चिट्टी चीनी सब तो पहले जी जी, ए मुंह भला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुंह भला नहीं होना, मुंह ऐसे चिट्टा हो जाएगा तेरी क्वालिटी अद्धी रह जाएगी। अच्छा, खूबसूरत गोडियां ते लाल होवे, कान लाल हो, कान चीने होण ते फिर भी होगा करी क्वालिटी खत्म होगी। अच्छा, कान आज ए ना इथे बल्ली होगी ते फिर भी काम खराब होंदी, तो भी चंगी है, लेकिन शौकीन जेड़े थोड़ा जिहा आ मतलब है कि ओदे एक पॉइंट कट जांदा, पॉइंट कट जाएगा। अच्छा, लत्तां ऐसीयां जेड़ियां ने थल्लू रेड होनी चाहीदी। हां जी, जबरदस्त हो गया। ते बाकी बकरी दा कद और लंबाई जी? कद कद आम ते 38 39 इंच हुंदा, लेकिन ए ते दोवें 40 40 ए बल्कि 40 तो उत्ते। अच्छा, ये 40 40 प्लस है। अच्छा, 40 प्लस ने दोवें? हां जी, तकरीबन आम बकरी दरमियानी बकरी 36 इंच दी हुंदी। जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया। ते ए दोम जेड़ी है कहंदे हो कि सीधी होनी चाहिए? सीधी होनी जे कांड ते होए जी जी, ते फिर वो 12 लाख नहीं फिर 80,000। जबरदस्त, मतलब है कि 12 लाख की क्वालिटी नाल आंदा है। हां जी, क्वालिटी नाल आंदा है। गुड हो गया। अच्छा सर, थोड़े यह दसिया जे कि थोड़े को माशाला तकरीबन दस रहे हो कि 80-85 80-85 वड्डी बकरियां है, 40-50 जी इंडियन, मतलब है कि साल विच डबल ट्रिपल हो जाते हैं। पठोरे सेल कर दी, पट्ठा अजे तीन असी सेल बहुत जो दी बकरी रखी सिर्फ दो पट्ठा छोटी सेल की, नहीं तो नहीं करते। अच्छा, बकरी सेल कर दें जी थोड़ी जी उन्नी भी हो जाए ना जी जी, उस असी फिर काट देईदा, तो या फिर बहुत ही टाप हो जाए जिम्मे खो के लै गए मेरे को अबैदरमान उरी जी जी। हाँ जी, जबरदस्त हो गया। ते एक एक बकरी जी है किन्ने साल दी लगन वाली हो जाती है तैयार? पाठ जी सवा साल दी, बिल्कुल लोंदी हो जाती जी जी। अच्छा, तुसी हुण इन्हां नूं टीएमआर पा रहे हो और पानी नाल? हाँ जी, टीएमआर और पानी, बिल्कुल। तूड़ी वगैरह कुछ लोग कहंदे ने ओ पिसवा के बरीक करवा के तूड़ी वगैरह बकरी वास्ते नहीं, नहीं यूज की, तूड़ी बकरी दी खुराक तेरे मजबूरी ना ते फिर खा लेंदी। अच्छा अच्छा, खुराक इसदी है खुश्क लूसन लब जावे? हां जी, बहुत बेहतरीन। हां, या हरा लूसन लब जावे या चीजा या दाणा या जंतर जी जी। अच्छा बाबा जी, इन बीमारियां केड़ी केड़ी आंदियां ने? क्योंकि साडा तो बहुत ज्यादा बीमारी ते बकरी दी कोई हिसाब किताब ही नहीं, कुछ तो है ना वैक्सीन ना ईटीवी हो गई जी जी, पीपीआर हो गई, सीसीपी, ये टाइम तो नवीं नवीं निकल आउंदियां जिहड़ियां सानूं पता ही नहीं हुंदा वी कोई बुकल मार के बह जांदी सवेरे बहिंदी शामी मरी पई हुंदी। अच्छा अच्छा, उत्थे कोई इलाज नहीं। अच्छा, फिर एक बकरी गेड़ा खाण लग पैंदी। अच्छा, वो सेहतमंद है, खांदी पींदी ठीक है। अच्छा, मठ थोड़ी जी स्लो हो जांदी जी जी, ओहदा दुनिया ते कोई इलाज साडे को ते अज तक नहीं हैगा, वह मरदी ही मरदी लाज़मी। हूं, इस तरह दी बेशुमार मरदां जिहड़ियां इकदम ही हुंदियां। जबरदस्त हो गया।
अच्छा बाबा जी की मैसेज देना चाहोगे शुकीना नु बकरी जी मुनाफे वाला सौदा जी अली पूरी केयर करो जी जी शुकीन ये नहीं भी बकरियां लेके नौकर देता महीने बाद आया महीने बाद आओगे तो अभी रह जाएंगे सुबह शाम कम अज कम मेनू टाइम दोगे अच्छा मतलब सुबह बकरी तो तुसी आए हो तो मुलाजम दसिया बकरी है ढिली है तो तुम आख यार शामी ले आवे टीके ला देंगे फिर वो बकरी कवर ही नहीं कोई नसीब वाले की हो जाती बकरी ढिली है तो उस वे सवेरे ही होती ट्रीटमेंट करो साडा पूरी दवाइया मेडिसिन पूरी होती अच्छा माशाल्लाह शाम को ठीक होती जबरदस्त हो गया मतलब अगर अच्छी बकरियां रखोगे तो मुनाफा बख्श काम है बहुत 200 खर्चा हाँ का कोई मुनाफा बड़ा देख लो जी इतना खर्चा कर रहे हैं जी जी दवाइयां कर रहे हैं ते दो मुलाजम ने गन मैन ने जी जी ते वो खर्चे हिसाब ला लो कितना खर्चा है ਉਸੇ ਸਹੀ ਵਾਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਵਾਲ ਗਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲ ਗਾਂ ਠੀਕ ਸਹੀ ਵਾਲ ਗਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਜਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿਓ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਟੀਐਮਆਰ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ पिछली बार बच्चे छोटे मुंह खोर दी वैक्सीन ला के लाती अच्छा मुंह खोर दी वैक्सीन लगती गई बच्चे अद्धे मर गए अच्छा हर बकरी दे तकरीबन एक साल जिथे लाई सी ना उथे फोड़ा बनया रहा पता अच्छा पता नहीं की सी वैक्सीन माड़ी सी साडी समझ नहीं बकरी तो मरी कोई नहीं बच्चे अद्धे मर गए तो इस बाद तुसी वैक्सीन नहीं कीती नहीं वो नहीं बाकी सारी कीती और वो नहीं की अच्छा मुंह खोर वाली नहीं मुंह खोर वाली नहीं की ठीक हो गया।